हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने ब्लॉग में हर बार नई अपडेट्स लेके आता हूँ। तो आज ऐसा रहा, दिन भर काम वगैरह वो रहा, मार्केटिंग का काम रहा, और उसके बाद निकल पड़े थे धर्मपुर। कुछ काम था, पेमेंट वगैरह देनी थी एक बंदे की, वो पे करी और उसके बाद आया घर पे। अभी जस्ट 15-20 मिनट हुए पहुँचे हुए, और इसके बाद वंदना बना रही है, डिनर में बन रहा है आज दोबारा साग। तो आप लोग कितने साग खाते हैं? ये हफ्ते में एक आधा बार बनता ही है साग, क्योंकि आजकल ही जैसे कि मैंने बताया सीजन रहता है, जैसे कि पत्ते वगैरह, रबी के पत्ते वगैरह होते हैं, तो इसी सीज़न में खा सकते हो आप, और उसके बाद तो नहीं मिलती है चीज़ें। तो वो भी बनना ही देखिए, डिनर प्रिपेयर कर रही, खाना वगैरह बना रही है। और मैं धर्मपुर गया था, और इसके बाद अभी पहुंचा, जस्ट 5-10 मिनट हुए पहुंचे हुए। तो मैं शेयर करता हूँ आज दिन की वीडियो क्लिप, क्या रहा दिनचर्या में और क्या किया वंदना ने और पीहू ने आज। तो बने रही वीडियो के साथ, और गाइस जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो किस टाइप की लगी, और करते हैं वीडियो कंटिन्यू। नहीं ओ जो भूया ने सिखाया वो वाला ताँ तो कर। पागल बच्चा भी चोरी छपन का बारी, पीछो पीछो मुख्यमंत्री परिवारी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग खाना खाने के बाद घास लेने जा रहे हैं। तो मम्मी जी और पापा जी चले गए हैं घास लेने, और मैं भी जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो वो चले गए आगे आगे, और मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, कि वो थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे घास लेने के लिए। तो ये हमारे खेत वगैरह, इधर हमने क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये है हमारे खेत वगैरह, इधर हमने चरी बाजरा वगैरह बोया है, साथ में मक्की भी बोई है। तो मक्की वगैरह तो इधर होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी वगैरह होते हैं, तो उस करके मक्की वगैरह ज़्यादा बीजते नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर गायों के लिए चारा वगैरह बोते हैं, ताकि घास की दिक्कत ना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इधर घास वगैरह इतने नज़दीक मिलता नहीं है हमें, उधर हमारे घर से दूर टीरा और उधर क्या नाम है उसका, वहाँ से लेना पड़ता, तासली का नाला करके नाम है, वहाँ से हम लोग घास लेके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इधर मिलता नहीं है काटने के लिए। तो उस करके हम लोग अपने खेतों में ज़्यादातर चरी बाजरा वगैरह बोते हैं, ताकि जानवरों के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो घास के लिए, क्योंकि घास हमारे पास 2 गायें हैं और 1 बकरी है। तो आपको पता है जानवर तो घास बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उस करके हम लोगों ने इधर चरी बाजरा वगैरह ही बोया हुआ है। देखिए मम्मी जी वगैरह घास काट रहे हैं, और पापा जी बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब एक घास की, इनके पापा जी वेट कर रहे हैं कि कब घास काटे और इनके लिए दे दे घास लेके बांध के। तो मम्मी जी रेडी कर रही है पापा के लिए घास की एक गड्डी, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। आए कर दो आए, ये काट रहे मम्मी घास, और ये है हमारे खेत ऊपर तक, जहाँ पापा बैठे हैं वहाँ से ऊपर तक है हमारे खेत। और इधर भी मम्मी ने काट लिया इधर से घास वगैरह, और ये बड़े ताया जी के खेत हैं, जहाँ पे घास अभी काटने को आया है अभी। और ये हमारा खेत है, यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट होते हैं, और वहाँ पर भी हमें काटने के लिए चरी और बाजरा। ये है हमारे खेत जिनमें हमने चरी बाजरा ही बोया है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ मंकी वगैरह बहुत होते हैं, तो उस चक्कर में हम लोग नहीं बोते हैं मक्की वगैरह, क्योंकि वो जो बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो खा लेते हैं उनको मक्की वगैरह को, तो हमारे को तो कुछ बचता नहीं है, उसी चक्कर में हम बोते भी नहीं हैं।
यही था फिर आज का, फिर आगे का बताती हूँ आप। तो मम्मी जी बांध रही है पापा जी के लिए घास, और एक बार फिर पापा जी को आना पड़ेगा क्योंकि आजकल बहुत भारी होता है घास ना, हरी घास होती है तो ये उठाने के लिए बहुत ज़्यादा, दो तीन वो बड़े हो जाते हैं उठाने के लिए। तो मम्मी जी ने बांध दिया घास, देखिए हमने आधी आधी खेत का घास काट लिया है। पापा जी हो गए रेडी घास उठाने के लिए। बीत आई हैं पापा जी, बीत आई हैं, आई हैं एक बार यो। फिर देखिए मम्मी जी कर रही है जो दराटी हमारी जिससे हम घास काटते हैं उसको कर रही है तेज, क्योंकि घास काट काट के ये होगी अब ज्यादा तेज नहीं रही तो घास काटने में दिक्कत हो रही थी, इतने ज्यादा अच्छे से काट नहीं रही थी घास, इसलिए इसको तेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पत्थर वगैरह से तेज कर लेते हैं दराटी वगैरह को, अच्छी हो जाती है। देखिए अब इसे फटाफट से काटा जाएगा घास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज हो गई है तो बड़ी जल्दी इससे घास काट सकते हैं। अब आगे का बताते हैं आपको, आगे का भी पापा जी फिर से आ गए हैं, साथ में बकरी भी आ गई हमारी। ये जहाँ पे आदमी होते हैं वहीं पे घास चरती है, अदरवाइज ये कहीं और नहीं जाती। अभी हमारे पास आ रही है नीचे, ये हमारी प्यारी सी बकरी, और ये देखिए मम्मी फिर से पापा जी के लिए घास बांध रही है। दूसरी बार आ गए पापा जी फिर से घास ढोने के लिए दूसरी बार। देखिए बकरी खा रही है घास, वैसे तो पापा जी मना कर रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, फिर आ गए फिर से, बोल रहे होंगे कि बहुत भारी होता है उठाने के लिए दिक्कत रहती है, तब जाके ये आ जाते हैं मम्मी जी के साथ भी। वैसे पापा जी ज़्यादातर घास लेके जाते हैं क्योंकि मैं और मम्मी जी उठा लेते हैं, लेकिन मैं और पतिदेव घर में ही रहते ज़्यादातर, मम्मी जी और पापा जी घास लेने आते हैं क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। लेकिन आज हमने सुबह पहले खाना वगैरह करके आए हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट वगैरह, और पतिदेव अपना अपने काम में बिजी रहते हैं, उनका अपना ही काम है वो उसी में बिजी रहते हैं, और मैं और पापा जी और मम्मी जी आज आ गए हैं घास लेने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको आगे का व्यूज़। अभी काट रही है मम्मी जी और घास, फिर हो गए दो लेके गए पापा जी, दूसरा ये बोझा उठाने आ गए पापा। तो अभी हम लोग घास वगैरह काट बैठे हैं, तो अभी हमने घास वगैरह काट लिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो देखिए ये ले लिए मम्मी जी और मेरा घास, हम उठाएंगे इसको, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और देखिए बकरी जो इसके लिए घर के लिए गौशाला के लिए लेके जा रहे घास, वो इसको इधर ही खा रहे। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो देखिए बकरी भी जा रही है हमारे साथ में।